पंडित मुकेश शास्त्री यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रों के बारे में। दोस्तों, दिनांक 17 अक्टूबर सन 2020 शनिवार के दिन से दुर्गा उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र पर्व आरंभ होने जा रहा है। 38 साल बाद नवरात्रि के 9 दिन में 4 सर्वार सिद्धि योग व 4 रवि योग का शुभ संयोग बनने जा रहा है। नवमी तिथि पर संध्या काल में विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। इसका आम जनमानस पर बहुत ही मंगलदायक प्रभाव पड़ेगा। आइए जान लेते हैं शारदीय नवरात्रा का आरंभ, घट स्थापना का सबसे शुभ समय, देवी पूजन का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा। देवी पुराण में नवरात्रा के दिन देवी का आह्वान, स्थापना और पूजन समय प्रातःकाल में लिखा है, जिसमें चित्रा नक्षत्र और वैधर्ति योग को त्याज्य बताया गया है। किंतु इन दोनों आदि के दो चरणों को त्याग कर घट स्थापना करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। इस बार द्वितीय आश्विन शुद्ध शुक्ल प्रतिपदा तिथि शनिवार को चित्रा नक्षत्र दोपहर 11:52 तक है और चित्रा नक्षत्र के प्रथम दो चरण सूर्योदय पूर्व समाप्त हो चुके हैं। अतः शारदीय नवरात्र का आरंभ घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रातः 6:13 से प्रातः 8:47 के मध्य करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, शास्त्र सम्मत रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से 11:49 से दोपहर 12:35 के मध्य भी घट स्थापना की जा सकती है। चोगड़ियों के अनुसार प्रातः 7:56 से प्रातः 9:22 तक शुभ के चोगड़िये में भी घट स्थापना करी जा सकती है। आप सभी दर्शक इस समय का ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। शारदीय नवरात्रा का महापर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरी।